अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मलिक जर्नी चैनल अपने प्यारे अच्छे और नेक होस्ट मलिक के साथ। आग लगा दी। नेक होस्ट के बाद पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था ठंडा होस्ट मलिक, उसी तरह आज भी ठंडा होस्ट मलिक, समझ रहे हो, क्योंकि आज फिर बहुत सर्दी है। तो जैसा कि आपने वीडियो का मकसद था आपको सरसों के खेत दिखाना, वैसे पिछली बार जो दिखाए थे वो तो ऐसे ही दूर से मैंने दिखा दिए थे, आज इसका मैं को आपको अजीब और गरीब मंज़र दिखाऊंगा। कोई इधर है कोई उधर है, चलें तो फिर खेत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये देखें, ये है भाई सरसों का खेत और मैं इस खेत के अंदर चल रहा हूँ। वैसे तो ये इस हिसाब से होता है कि इसके अंदर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, मगर फिलहाल ये जो है ना, इसके अंदर से छोटा घास कटा हुआ है और ये बात किया सिर्फ सरसों। अच्छा, तो मैंने सोचा इसके अंदर चल के आपको दिखा दूं, शायद आपको पसंद आ जाए और मेरी वीडियो के व्यूज़ शूज़ को बढ़ जाएं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ये जुमे का दिन है इसलिए इसने सजदा किया हुआ है, लेटा हुआ है ये पौधा, बाकी खड़े हैं इसके साथ। ये देखें, ये धुंध आज भी है मगर आज उस हिसाब से धुंध नहीं है, सुबह बहुत ज़्यादा थी, अभी इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नज़र भी आ रहा है, वरना पिछली बार जो धुंध वाली वीडियो थी उसमें तो 100 फीट की दूरी तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये चले मैं आपको दिखा भी दूँ, धुंध इस कदर थी कि ये पानी के कतरे अभी तक पत्तों पर पड़े हुए हैं। क्या सीन है। ये पानी के कतरे अभी तक पत्तों के ऊपर ही पड़े हुए हैं। ये चलें आगे चलते जाते हैं। ये वीडियो छोटी सी होगी, वैसे भी मेरी वीडियो को इतनी बड़ी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा भी ले जाएं तो 10 मिनट की होती होगी, लेकिन ये वाली मैं छोटी सी बनाऊंगा, तकरीबन 6-7 मिनट तक। लेकिन ये देखें, ये अभी मेरे साथ से हवाई जहाज गुजरेगा। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपका व्यू चेंज करके एक और जगह दिखाऊंगा आपको। अभी मजा आएगा ना। सर्दी से वैसे मेरी हालत टांगरी जैसी हो गई है, टांगरी तो समझते होंगे ना, अच्छा नहीं समझते, चलो फिर मैं इसमें एक पिक्चर ऐड करता हूँ टांगरी की। हाँ तो आपने देख ली, यही होती है टांगरी। मेरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसे में बड़ा सख्त लग रहा है सर्दी की वजह से। सर्दी असल में हमारे इलाका बिल्कुल मरी बना हुआ है, मरी छोड़ने से करदू समझ लें या सियाचिन, ये बना हुआ है हमारा इलाका। ये असल मज़ा तब आता है जब ये सरसों पक जाती है ना और इसकी हार्वेस्टिंग होती है, उस वक्त की जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो मज़ेदार वीडियो होती है। ये कुछ तो बहुत बड़े बड़े पौधे भी हैं इसके अंदर। ये
अब ये जिसके अंदर मैं चल रहा हूँ, इसके अंदर से छोटा जो घास है वो कटा हुआ है। चलें इसी के साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर जो छोटा जो घास है ना वो मौजूद है, इसके अंदर नहीं चला जा सकता क्योंकि घास छोटा ख़राब हो गया है। ये भी इसी की तरह का खेत। अच्छा तो चलें फिर मैं अपना व्यू चेंज करता हूँ, आपको पानी की नहर दिखाता हूँ, फिर उसी पर मैं अपनी वीडियो को एंडिंग करता हूँ। ये देखें थंबनेल के मुताबिक ये था सरसों के खेत का अजीब मंजर। वैसे अजीब कौन सा होना था इसने। मैंने अपना व्यू आपको जैसे कि कहा था कि नहर दिखाता हूँ, ये नहर बह रही है, साथ में इसकी गंदम काश्ती हुई है, नहर है ये सूखी पड़ी है और ये पानी इसमें है। ये अब छोटी सी पुली है, ये छोटी सी पुली बनी हुई है ताकि रास्ता क्लियर हो गुजरने के लिए। और ये फिर दूसरी तरफ से निकल रही है, समझ रहे हो। चले मैं इसके बांध पर चल के थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, फिर इसी पर वीडियो ख़त्म भी करेंगे। ये धुआं उठ रहा है देखें, असल में उधर सर्दी है ना, पानी है गर्म। ये देखें ठंडा हाथ था और ये बिल्कुल गर्मा गर्म पानी है। वैसे आप महसूस तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही मज़ेदार जैसे गीजर से निकल के आ रहा हो। तो चलें व्यूअर्स, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। चनेक और ठंडा होस्ट मलिक आपको अल्लाह हाफिज कहता है, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। खत्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।